पैसे और पावर के नशे में इंसान अपनी इंसानियत तक भूल जाता है। अपने से छोटे लोग दबंगों को देखना ही बंद हो जाते हैं। वहीं जब कोई अपने हक की लड़ाई के लिए इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो बस फिर उसकी शामत ही आ जाती है। मामला सागर के घुघरी गांव का है। यहां एक दबंग ने सरकारी रोड पर कब्जा जमा रखा है। कुछ गांव वालों ने इसकी शिकायत कर दी। बस फिर क्या, दबंग को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। बौखलाहट में दबंग ने अपनी कार से सड़क किनारे खड़े लोगों को जान से मारने की कोशिश की। दरअसल घुघरी गांव के लोगों ने हाल ही में सरकारी रोड पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर दबंग श्याम सुंदर कटारे के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया था। इसी के चलते दबंग के बेटे राहुल कटारे ने गांव वालों की जान लेने की कोशिश की। गांव वाले सड़क के किनारे खड़े हुए थे। इसी बीच राहुल कटारे वहां से गुजरा। वो अपनी कार को कुछ आगे ले गया और रिवर्स करके तेज गति से वापस आया और गांव वालों को रौंद डाला। साथ ही ये धमकी भी दे डाली, आज तो बच गए हो, अब कभी मिले तो जान से खत्म कर देंगे। रास्ते में दुकान पर खड़े हो गए, पीछे से कटारी दादा का महिला वाला लड़का राहुल कटारी हम लोगों के पास से देखता हुआ आगे चला गया गाड़ी लेके। वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़ी और हमारे तभी देवगी से बड़े भाई आ गए। वो हमसे कुछ बात कर रहे थे तो उसने दो बार हम लोगों के ऊपर गाड़ी चलाई, आगे पीछे जान से मारने के काम में था सर। घटना में चारों ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों का देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बंटू आदिवासी की रिपोर्ट पर देवरी पुलिस थाने में आरोपी के विरुद्ध वीएनएस की कई धाराओं और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने घटना स्थल का जायजा लिया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।